स्पीड ऑफ ट्रांसवर्स वेव मोशन, स्पीड ऑफ ट्रांसवर्स वेव मोशन। देखो कुछ ना फॉर्मूलाज हैं, प्रूफ नहीं करना, सिर्फ याद करने, पांच छह फॉर्मूलाज हैं, इसको फॉर्मूला रजिस्टर में नोट करो। सबसे पहले हमने दो वेव को स्टडी करना है, एक ट्रांसवर्स इन द फॉर्म ऑफ क्रेस्ट एंड ट्रफ और दूसरा लॉन्गिट्यूडनल। ट्रांसवर्स वेव मोशन में अगर ट्रांसवर्स वेव मोशन सॉलिड के अंदर मूव करे तो वेलोसिटी का फॉर्मूला अंडर रूट ऑफ ईटा बाय रो है, वेयर ईटा इज मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। कोई कहता है सर ये ईटा कहां से आ गया, यंग्स मॉडुलस कहां से आएगा, यंग्स भी आएगा क्योंकि वेव मोशन के लिए इलास्टिसिटी चाहिए और इलास्टिसिटी के तीन कोफिशियंट आपने पढ़े हैं, एक रिजिडिटी, एक यंग्स मॉडुलस, एक बल्क मॉडुलस। तो इसलिए ये फॉर्मूला प्रूफ नहीं करेंगे, सॉलिड के अंदर अगर ट्रांसवर्स वेव ट्रेवल करती है तो ये फॉर्मूला नोट करेंगे, पहला फॉर्मूला। दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट है, मेंस नीट इस पे भरा पड़ा है एनसीईआरटी पे, खींची हुई रस्सी टाइट गिटार की स्ट्रिंग जैसे, उसके अंदर अगर क्रेस्ट एंड ट्रफ की फॉर्म में हम वेव को जनरेट करें, फॉर्मूला है अंडर रूट ऑफ टी बाय म्यू। इंपॉर्टेंट लिखना, टी फॉर टेंशन इन द स्ट्रिंग, म्यू का मतलब मास नहीं है, मास पर यूनिट लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। तो वेलोसिटी का फॉर्मूला अंडर रूट ऑफ टी बाय म्यू, टी फॉर टेंशन एंड म्यू फॉर मास पर यूनिट लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। क्या ये पॉइंट क्लियर है यहां तक? ठीक, नेक्स्ट है लॉन्गिट्यूडनल। लॉन्गिट्यूडनल का मतलब जैसे मैं बोल रहा हूं साउंड कंप्रेशन एंड रेडिफिक्शन। पहला, सॉलिड के अंदर अगर साउंड ट्रेवल करेगी तो अंडर रूट ऑफ के प्लस 4/3 ईटा बाय रो लिखो, ये फॉर्मूला, वेयर के का मतलब बल्क मॉडुलस, ईटा का मतलब रिजिडिटी, रो का मतलब डेंसिटी। और अगर सॉलिड स्टील रॉड है, स्टील रॉड ही है, कोई और रॉड नहीं है, तो ये नोट करें अंडर रूट ऑफ वाई बाय रो, ये आता है पेपर में, ये आया हुआ है वाई बाय रो, वाई का मतलब यंग्स मॉडुलस और रो का मतलब डेंसिटी, स्टील रॉड अंडरलाइन कर लेना, स्टील ही आएगा। मतलब साउंड पे अलग अलग एक्सपेरिमेंट किए गए और देखा गया कि स्पीड इन फैक्टर्स पे चेंज करती है। इसमें इसमें दोनों मतलब नहीं के कोफिशिएंट डिफरेंट है यार, प्रूफ हमने करने नहीं है, अब फर्क है ना, सॉलिड सॉलिड स्टील अलग आता है तभी फॉर्मूला डिफरेंट है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, गैस या लिक्विड में साउंड अगर मैं जैसे एयर में बोल रहा हूं तो एयर के अंदर बल्क मॉडुलस बाय डेंसिटी, एयर का बल्क मॉडुलस और एयर की डेंसिटी यूज करेंगे तो वेलोसिटी ऑफ साउंड आ जाएगी। तो पेपर में आएगा हाइड्रोजन नाइट्रोजन, तो बल्क मॉडुलस हर गैस का डिफरेंट होगा और वहां से आपके पास ये आंसर आएगा। तो नोट कर लें लिक्विड या गैसेस के अंदर भी। ठीक है, यहां तक प्रूफ हमने नहीं करने, हालांकि मैंने बहुत एंड में इसके प्रूफ एक दो बता भी रखे हैं कोर्स खत्म होने के बाद, पर जरूरत नहीं है, रिक्वायरमेंट आज तक पड़ी नहीं उसकी कभी, कैलकुलस यूज करना क्यों करना, आएगा नहीं इसी पे आएगा, जरूरत नहीं है।